आज की जो वीडियो है वो बेसिकली यहाँ पर अपग्रेड के ऊपर है। CSS PG फॉर्म में अपग्रेड कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोसीजर है, पूरी डिटेल के साथ मैं आप लोगों को यहाँ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है। आपको अपग्रेड का ऑप्शन देखने को मिल चुका है। मैं आपको बता देता हूँ प्रोसीजर क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, टर्म एंड कंडीशन बेसिकली मतलब इंस्ट्रक्शंस क्या है, वो सभी हमें पढ़ना जरूरी है। तो हम पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आप लोगों को डैशबोर्ड लॉगिन करना है। यहाँ पे एडमिशन आप लोग देखोगे, इसके नीचे व्यू सीट एलोकेशन, जिन्हें सीट अलॉट हुई है, एडमिशन हो चुका है, फी पेमेंट कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, क्लिक कर दिया मैंने। गाइस जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, बेसिकली आप लोगों को दो चीज़ समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है, आपको मतलब अप्लाई करना अपग्रेड के लिए, फिर इसके लिए आपको कंफर्म होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को अपग्रेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ चॉइस नंबर 2 से, जो भी आप लोगों की चॉइस नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 30 है, 40 है, 50, जितनी भी आपकी चॉइस नंबर अगर मिली है, लेकिन जिन्हें चॉइस नंबर 1 मिली है उन्हें सिर्फ फ्रीज देखने को मिलेगा। क्योंकि आप चॉइस नंबर 1 आपको मिल चुकी है, तो भाई आपको अपग्रेड अब किस में करवाओगे आप लोग? तो चॉइस नंबर 1 के लिए अपग्रेड नहीं होगा, लेकिन चॉइस नंबर 2 से यहाँ पे शुरू हो जाएगा अपग्रेड के लिए। तो यहाँ पे मैं अप्लाई फॉर अपग्रेड, यहाँ पे फ्रीज का क्या प्रोसीजर है, फ्रीज का मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आपको फ्रीज एडमिशन कैसे करना है, डिटेल वीडियो बना रखी है, या अभी मैंने रिलीज नहीं करी तो मैं रिलीज कर दूँ उस वीडियो को थोड़ी देर में, मैंने ऑलरेडी बना रखी है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपग्रेड की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अप्लाई फॉर अपग्रेड पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक कर लिया, ठीक है। अप्लाई फॉर अपग्रेड पे क्लिक करें, यहाँ पे क्या रहा है, प्रोवाइड योर सिलेक्शन, ठीक है। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अपग्रेड इन फर्स्ट राउंड, ठीक है। देखो, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अपग्रेड इन सीट एलोकेशन फर्स्ट राउंड, माई करंट एडमिटेड सीट विल बी ऑटो कैंसिल इफ न्यू प्रीफरेंस आर ऑटो लॉक्ड। यहाँ पे साइड में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे साइड में ऑप्शन आ रहा है, आप लोग ध्यान से देखो, ब्लू कलर के मैंने यहाँ टिक करा है, ये देखो ध्यान से मैंने यहाँ टिक कर दिया। कहने का मतलब क्या है, जो मेरी अभी करंट सीट है वो रहेगी, लेकिन अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है, ऑटो कैंसिल क्यों बता रहा है। ऑटो कैंसिल का मतलब ये है, अगर आपको सेकेंड राउंड या अगर आप लोग थर्ड राउंड में ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि भाई वीडियो तो लोग बाद में भी देखते हैं, तो आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो आपका जो प्रीवियस कॉलेज है वो रहेगा, लेकिन इन केस अगर ड्यू ने आपको सीट प्रोवाइड कर दी, न्यू सीट प्रोवाइड कर दी, मतलब कहने का ये है, पहले आप लोगों को जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज मिला था, आपको अब या तो सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गया हिंदू कॉलेज, तब आपको एडमिशन लेना हिंदू कॉलेज में कंपलसरी है। लेकिन इन केस जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज अभी आपको अलॉट हो रखा है, लेकिन इन केस अगर कोई भी अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिलता तो आपका जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज जो है रहेगा, ये सेफ है, सो डोंट वरी, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए, आई हैव रीड ऑल गाइडलाइंस, अपग्रेड की ऑल गाइडलाइंस मैं पढ़ चुका हूँ, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन और CSS PG के बुलेटिन से मैं पढ़ चुका हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी अपग्रेड की सारी क्वेरी सॉल्व कर रखी है। उस वीडियो को पर्टिकुलर चेकआउट कर लेना, देखो कई क्वेरी ऐसी होती है जो हमें भी नहीं पता होता, तो वीडियो को जाकर चेकआउट कर लेना, ना तो बहुत लंबी हो जाएगी उस, क्योंकि उसमें मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ के आप लोगों को बताया। दोनों पे आप लोगों को टिक करना है ब्लू करके, यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ, मैंने यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दिया, यहाँ ग्रीन आ गया, ठीक है। गाइज जैसे ही मैंने अप्लाई फॉर अपग्रेड पर क्लिक करा था, आप लोगों को मैंने सबमिट करके दिखा दिया, ऑप्शन टू अप्लाई फॉर अपग्रेड सेव्ड सक्सेसफुली लिखा आएगा ग्रीन कलर ऊपर, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। नीचे आओगे आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ पे अपग्रेड के लिए क्लिक करा है, अप्लाई फॉर अपग्रेड एट टाइम यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, आप लोगों को चेकआउट कर सकते हो, 21/8/2023 यहाँ पे 18:12, ठीक है, 18:06:12 पर आप लोगों ने यहाँ अपग्रेड के लिए क्लिक करा है। तो आई होप आप लोग एक बार चेकआउट भी कर लेना CSS का, जो मैंने बुलेटिन पढ़ के आप लोगों को बता रखा है। तो इस तरीके से आप लोगों का अपग्रेड होगा, फिर इसकी डिटेल वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ या थोड़ी देर में रिलीज कर दूंगा, अगर आपको चैनल पर नहीं मिलती है, ठीक है, तो उस वीडियो को भी पर्टिकुलर चेकआउट कर लेना। दोनों वीडियो मैंने आप लोगों को समझा रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और बाकी मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब इंस्टाग्राम पर पूछो तो डिटेल के साथ मैसेज किया करो कि UG की बात करो या PG की बात कर रहे हो, ठीक है, या BTEC के एडमिशन की बात करो या ITEP के एडमिशन की बात कर रहे हो, क्योंकि बहुत बच्चे आप लोग सोचते हो कि मेरा सिर्फ CSS PG की रिगार्डिंग ही मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। बहुत से बच्चे UG वाले भी अभी पूछ रहे हैं, PG वाले भी पूछ रहे हैं, BTEC वाले भी पूछ रहे हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि डिटेल के साथ मैसेज करना, ठीक है। यही चीज़ थी, आप लोग इस तरीके से अपग्रेड करना है, ठीक है।